रंग उड़ाए पिचकारी, रंग से रंग जाए दुनिया सारी, होली के ये रंग आपकी जिंदगी में खुशियां भर दे, यही दुआ है हमारी। और होली की इसी शुभकामनाओं और इन्हीं रंगों के साथ मैं मिस्टी छिब्बर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम रंगदीनी में, जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ होली की शॉपिंग कराने। तो चलिए चलते हैं और होली के इन्हीं रंगों के साथ शुरुआत करते हैं हमारी होली शॉपिंग। दोस्तों, हमारे देश में कहावत है कि अगर हम किसी अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं उसे तो उसे मीठा खा के किया जाए। तो मैंने सोचा कि इस होली के शॉपिंग पर भी मैं आपको पहले कुछ मीठे यानी कि मिठाई की शॉपिंग करवाऊं। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आई हूँ बीकानेर वाला। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस बार क्या खास है बीकानेर वाला पर हमारे लिए इस होली के मौके पर, जिससे हम कर सके अपना मुँह मीठा। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बीकानेर वाला आपको मिठाई की शॉपिंग कराने। इस होली क्या कुछ खास है बीकानेर वाला में आपके और हमारे लिए, इसके लिए हमें बताने के लिए हमारे साथ है ओमकार शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हैप्पी होली। एंड शो शुरू, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले आपको मुबारक हो, होली मुबारक हो। होली है तो गुजिया तो होती ही है, उसके अलावा और क्या क्या स्पेशल है, और अगर गुजिया खरीदने आता है तो गुजिया के लिए क्या कुछ नया है इस बार बीकानेर वाला में? बीकानेर वाले में जैसे रोज गुजिया है, बहुत ही अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, देखने में भी अच्छी है, और उसका टेस्ट भी सब गुजिया से डिफरेंस है। रोज गुजिया काफ़ी अच्छी है, उसकी क्वालिटी है और देखने में काफ़ी अच्छी लोकेशन है उसकी। मतलब इस बार बीकानेर वाला ने एक नई चीज़ इन्वेंट करी है, वो है रोज़ गुजिया। नॉर्मल हम लोगों ने बहुत तरीके की गुजिया देखा है, लेकिन इस बार रोज़ गुजिया है। तो क्या रेट होगा इस रोज़ गुजिया? रोज़ गुजिया है ऐसे करीब है अपना, सभी गुजिया का रेट है प्राइस जैसे 450 से लेकर 480 के समथिंग है। जैसे रोज़ गुजिया आ जाती है उसमें, और अपनी ये केसर गुजिया आ जाती है, प्लेन गुजिया आ जाती है, जितनी भी गुजिया की वैरायटी है, लौंग लत्ता है और गुजिया समोसा है, इतनी सब वैरायटी है, वो सब वैरायटी हमारी 450 से 480 के समथिंग आती है। तो मतलब इस बार बीकानेर वाला जो है आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, रोज़ गुजिया है, लौंग लता है, गुजिया के समोसे भी हैं यहाँ पर, जो 420 रुपीज़ पर केजी से शुरू लेकर 500 रुपीज़ पर केजी तक जाता है, जो मुझे लगता है पॉकेट फ्रेंडली है। इस होली अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप टेस्ट के साथ साथ अपना हेल्थ भी देखना चाहते हैं, तो आई थिंक इतना पैसा खर्चना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुजिया तो पेटेंट है, होनी ही चाहिए, इसके अलावा और कुछ क्या? इसके अलावा जो भी वैरायटी है स्वीट की, सब हमारे पास वैरायटी है, जितनी भी आल वैरायटी है सब देसी घी से निर्मित हैं, और जैसे भी आप आइसक्रीम है, चॉकलेट्स हैं, काजू बर्फी है, स्पेशल लड्डू है देसी घी का, और बाद बाकी की बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे शाही लड्डू है और हमारा गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बहुत काफ़ी सारी वैरायटी हैं हमारी बीकानेर वाले की, और बीकानों की भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। अच्छा उमनाथ जी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि गुजिया तो हर कोई ख़रीदता है, लेकिन अगर गिफ्ट पैक की बात करी जाए, क्योंकि आजकल जो है हम लोग होली दिवाली पर गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट देने का ट्रेंड चल पड़ा है, तो क्या स्पेशल गिफ्ट पैक निकाले? गिफ्ट पैक के लिए हमने गुजिया का भी गिफ्ट पैक निकाला है, जो 1000 रुपये जैसे भी आप जितना भी वेट के हिसाब से होगा उसका अमाउंट होगा, उसका ऐसी कोई खास बात नहीं है उसका। और गुजिया के लिए हम टोकरी में भी लगा के दे रहे हैं, और थाल वगैरह उसमें भी लगा के दे रहे हैं। होली के लिए नए नए तरीके से डिजाइनिंग वगैरह जो भी है, जो हमने लोकेशन में दिखाए हुए हैं यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग वगैरह है उसका, आपके पास एक लोगो भी होगा, जो भी होगा वो सब दिखा दीजिए। चलिए थैंक यू सो मच ओमकार जी। ओमकार जी ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इस बार बीकानेर वाला पर क्या क्या खास है, तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी शॉपिंग की। जैसे ओमकार शर्मा जी ने बताया था कि इस बार यहाँ पर गुजिया की बहुत सारी वैरायटी है, स्पेशल यहाँ पर एक रोज़ गुजिया जो है होली के मौके पर बनाई गई है, तो मैं यहाँ पर आपको लेकर आ गई हूँ गुजिया की शॉपिंग कराने, आपको दिखाने कि यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी मौजूद है गुजिया की। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर चंद्रकला गुजिया, ये नॉर्मल गुजिया जो हर बार हमें दिखती हैं वो तो है ही, लेकिन इस बार जो बीकानेर वाले की स्पेशलिटी है वो है रोज़ गुजिया।
मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, इस बार जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो है यहाँ की रोज़ गुजिया, जो है 440 रुपए किलो। तो आई डोंट थिंक सो, अगर आप रोज़ गुजिया खाना चाहते हैं तो 440 रुपए आपको महंगा पड़ेगा। मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि ओमकार जी ने इसकी बहुत तारीफ़ की थी, और क्योंकि इस बार बीकानेर वालों वाले की ये एक इन्वेंशन है, न्यू इन्वेंशन है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि गुजिया कैसी है। तो यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है रोज़ गुजिया, जो इस बार यहाँ की स्पेशलिटी है, नई इन्वेंशन है, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। बिलीव मी, इट्स डिफरेंट। आप जो ट्रेडिशनल गुजिया घर में खाते हैं या फिर मार्केट से जो गुजिया लाते हैं, उससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें रोज़ का फ्लेवर इतनी अच्छे तरीके से आ रहा है। फिलिंग जो है पूरी ड्राई फ्रूट से है। तो आई मस्ट से, अगर इस बार आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो ये रोज़ गुजिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि नया है, इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल डिफरेंट है। यूँ लगता है जैसे कोई आप गुलाब खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अगर आप फिगर कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, इस होली चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा कैलोरीज आपके अंदर ना जाए, तो इसके लिए यहाँ पर रोस्टेड गुजिया है जो 480 रुपीज़ पर केजी है। आई थिंक इसे भी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, कि मैंने इससे पहले नहीं सुना है कि रोस्टेड गुजिया भी होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हमेशा यही देखते हैं कि गुजिया को जो है डीप फ्राई किया जाता है, तो इस रोस्टेड गुजिया का भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है रोस्टेड गुजिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल रोस्ट की हुई है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, क्योंकि जनरली जो गुजिया होती है उसे डीप फ्राई किया जाता है। इट्स ऑल्सो न्यू, अगर आप फिगर कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने अंदर कैलोरीज नहीं लेकर जाना चाहते, तो ये गुजिया आप ही के लिए है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं भी ट्राई करती हूँ। आप होली का पूरा आनंद लेना चाहते हैं पूरे फ्लेवर्स के साथ, और चाहते हैं आपके अंदर ज़्यादा फैट भी ना जाए, तो ये गुजिया आप ही के लिए है, जो 480 रुपीज़ पर केजी है। इसके अलावा यहाँ पर घर की बनी गुजिया भी है, जो लोग वर्किंग है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते फिर भी, लेकिन वो घर का फ्लेवर ही खाना चाहते हैं, तो उनके लिए घर की गुजिया भी है, जो 480 रुपीज़ फ्लेवर है। आई नो इसमें लिखा है घर की गुजिया, तो ज़रूर घर का फ्लेवर आएगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं यहाँ पर और ट्राई करना चाहूँगी, वो है यहाँ पर सिंधी गुजिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे पैटीज होती हैं, ऐसे लेयर्स के अंदर जो है फिलिंग की हुई है। 425 रुपीज़ पर केजी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ख़रीद भी सकते हैं, और देखने में लग रहा है बहुत क्रिस्प होगी, तो ये ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी मैं सिंधी गुजिया। इसके अलावा बहुत सारी वेराइटी हैं जो जनरली आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पर अलग हटकर जो है वो यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो इसलिए कम हेयर एंड ट्राई इट। और ये मेरे पास आ गई है सिंधी गुजिया, जैसा कि मैंने कहा लेयर्स लेयर्स हैं, उनके अंदर फिलिंग्स हैं, बहुत डिफरेंट है, और मुझे बताया गया है ये खाने में बहुत क्रिस्प है। लेट इट टेस्ट करते हैं इसे। इसके अंदर चाशनी है, क्रिस्पीनेस है, जो चाशनी है आपके मुँह में एकदम घुल जाती है, बहुत यम। 425 रुपए किलो, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो अगर आप कुछ बड़ी गुजिया आप नहीं खा सकते, छोटा कुछ ट्राई करना चाहते हैं मुंह में मीठा भी जाए, तो ये सिंधी गुजिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी हैं, गुजिया पोटली है, चंद्रकला है, गुजिया का समोसा भी है यहाँ पर। जनरली हम देखते हैं मटर का समोसा, आलू का समोसा, लेकिन यहाँ पर गुजिया का समोसा है, अगेन जो एक नई इन्वेंशन है। जो एक बड़ी बात मुझे यहाँ देखने को मिली वो है कि यहाँ पर हर वैरायटी की गुजिया मौजूद है, हर तरीके की गुजिया मौजूद है, लेकिन उनको डिफरेंट शेप्स और साइज़ दे दिए गए हैं, आपकी सेहत का ख्याल भी रखा गया है, और दैट टू आपकी पॉकेट का भी ख्याल रखा गया है, ज़्यादा महंगी नहीं है। यू कैन कम हेयर, यू कैन बाय इट एंड यू कैन टेस्ट इट एंड यू कैन मेक योर होली कलरफुल। तो इस बार गुजिया की कितनी वेराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है वो तो हमने आपको दिखा दी, टेस्ट करके भी बता दिया कि किसका टेस्ट कैसा है, किसका कैसा फ्लेवर आता है, किसकी क्या रेंज है, आपको सब पता लग चुका है। अब मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर गिफ्ट सेक्शन में, जहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स हैं जो आप होली पर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुजिया की जो है पैकिंग की गई है। सारी गुजिया आपको दिखेंगी, रोज़ गुजिया भी है इसमें, पोटली गुजिया भी है इसमें, सिंधी गुजिया भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुजिया है, पूरा पैक बना दिया गया। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, कोई बहुत करीबी है उसके घर, इस होली आप खाली हाथ नहीं जाना चाहते, तो ये गिफ्ट आप ही के लिए है। बस आइए बीकानेर वाला और ये गिफ्ट उठाइए, और अपने उस
दोस्त या फ्रेंड या फैमिली फ्रेंड या फिर जो भी रिलेशन में है, रिलेटिव है, उसके घर ले जाइए। और मैं आपको बताऊंगी, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 1,055 रुपये में ये आप ले जा सकते हैं। इसमें ढेर सारी गुजिया है और इसका कुल वेट है 2.2 kg, यानी कि लगभग 2.5 किलो के करीब गुजिया है जो आप 1,055 रुपये में अपने घर ले जा सकते हैं। छोटे पैक्स भी अवेलेबल हैं, बड़ा पैक नहीं ले जाना चाहते तो उसके लिए छोटे पैकेट्स भी हैं, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट शेप्स में। ये देख सकते हैं आप, एक बकेट बनाई गई है जिसे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। और ये बकेट है 1,200 रुपीज़ की, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना ईजी टू कैरी है। आप इसे आराम से ऐसे हाथ में उठा कर लेकर जा सकते हैं, ऐसे हाथ में भी लेकर जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गिफ्टिंग का। अगर आप इस होली किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, मीठा नहीं गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी नमकीन। बीकानेर वालों की जितनी भी नमकीन है वो सब इस पैकेट में, इस ट्रे में जो है पैक कर दिया गया है बहुत ब्यूटीफुली। और ये पैकेट जो है आप किसी के लिए लेकर जा सकते हैं, क्योंकि गुजिया जो होती है, कह सकते हैं आप थोड़े दिन ही खा सकते हैं, लेकिन नमकीन से आपका कभी भी मन नहीं भरता है, तो आप इसे लेकर जा सकते हैं। और इस पैक की कीमत है 340 रुपीज़। मुझे लगता है ज़्यादा महंगा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगी चॉकलेट्स भी हैं यहाँ पर, क्योंकि गुजिया नमकीन से डिफरेंट कुछ आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक रोज़ है जिसमें आप देख सकते हैं चॉकलेट्स जो है पैक की गई हैं बहुत ब्यूटीफुली। ये गुलाब का फूल, अगर आप किसी को इस होली लेकर जाएं, होली के सभी रंग हैं, ग्रीन भी है, येलो भी है, किसी रिलेटिव के लिए, किसी फ्रेंड के लिए ले जाना चाहते हैं तो ये गिफ्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी एक हांडी है, मटकी है, जिसे ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, होली के सभी कलर्स हैं। मैंने पूछा यहाँ पर इसमें क्या स्पेशल है, 100 रुपीज़ की हांडी है। अगर आप चाहें अपनी मर्जी से इसके अंदर रसगुल्ले या फिर ड्राई फ्रूट्स जो भी पैक करवाना चाहते हैं वो आप इसमें पैक करवा सकते हैं। बहुत ही देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी है, जस्ट फॉर ₹100 यू कैन बाय दिस। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगी यहाँ पे बहुत सारे गिफ्टिंग के ऑप्शन हैं। चॉकलेट्स, क्योंकि हम कह सकते हैं इस बार, इस सीज़न अब जो हैं चॉकलेट्स जो हैं गिफ्टिंग के ट्रेंड्स में आ चुकी हैं। हर कोई चॉकलेट गिफ्ट करना चाहता है, क्योंकि चॉकलेट्स बच्चे बड़े हर कोई चॉकलेट्स पसंद करता है। तो यहाँ पर चॉकलेट के इतनी सारी वैरायटी है, इतने डिफरेंट डिज़ाइंस में उन्हें पैक किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली इन चॉकलेट्स को डिज़ाइन पैक किया गया है। देखने में आपको चॉकलेट नहीं लगेंगी, लेकिन ये चॉकलेट है गिफ्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये चॉकलेट का डब्बा आपको पड़ेगा 620 रुपीज़ में, यानी कि 620 रुपये में ये चॉकलेट का डब्बा आप लेकर जा सकते हैं अपने घर या फिर किसी ऐसे इंसान के घर जो आपको बहुत प्यारा है और इस होली आप उसके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहते। वैसे कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं हर ओकेजन के लिए होते हैं। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जिनको हम कभी भी किसी भी ओकेजन पे अगर किसी को गिफ्ट करें तो अच्छा होता है, क्योंकि सेहत भी देता है और टेस्ट तो देता ही है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, छोटे थाल हैं, बड़े थाल हैं। ट्रेडिशनली ड्राई फ्रूट को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कहा जाता है जब भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करिए या फिर ड्राई फ्रूट्स टेस्ट करके जाइए। तो ये 1785 यानी कि 1785 में ये ड्राई फ्रूट का थाल आप घर ले जा सकते हैं या फिर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट शेप्स और साइजेस में, छोटे में, बड़े में, हर चीज़ में अवेलेबल है आपको। यहाँ पर एक मैं दिखाना चाहूँगी ड्राई फ्रूट नमकीन है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, काजू, बादाम, किशमिश। इसके नीचे आप देख सकते हैं आलू भुजिया, आलू लच्छा है। तो ये जो ड्राई फ्रूट नमकीन है ये भी गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ये आपको 650 रुपीज़ में ये पूरा थाल जो है ये आप अपने घर लेकर जा सकते हैं और किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे नमकीन के ऐसे डब्बे बनाए गए हैं, समोसे हैं, उनमें मठियाँ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नमकीन जो है यहाँ पर पैक की गई हैं खास इस होली के मौके पर। तो बस बाजार सज चुके हैं, देर है तो आपकी, बस आइए और खरीद लीजिए अपनी मनपसंद की जो चीज़ आप चाहते हैं, जो किसी को देना चाहते हैं, अपने घर ले जाना चाहते हैं, आइए और खरीद लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ रुकती हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगी कि इस होली चाट में आप क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि खाने के बिना हर त्यौहार अधूरा है।
गुलाल की छींटे और रंगों की बौछार, स्नेह का अबीर, सद्भाव की फुहार, लाड दुलार और फागुन की बयार, मिटे बैर सारे, बहे प्रेम रस की धार, गुजिया हंसी ठिठोली, राग रंग रंगोली, मन में भुलाकर आओ खेले खूब होली। लोग कहते हैं मेरी गलती, मुझे इतनी रात फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रेप क्या सिर्फ रात में ही होते हैं? हाँ, मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी इस पार्टी में, एंड आई वाज ड्रंक टू। क्या इसका मतलब ये है कि मैं लड़कों को उकसाना चाहती थी बलात्कार के लिए? माँ पापा, चाचा चाची सब कह रहे हैं भूल जाओ, वो भी तो इसी घर में रहता है, मैं कैसे भूल जाऊं उसकी दरिंदगी को? We want a rape free culture. Are we asking for too much? मिठाई की शॉपिंग तो मैंने आपको करा दी, लेकिन बिना चाट के होली जो है अधूरी होती है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले आई हूँ यहाँ के चाट सेक्शन में। और यहाँ के चाट सेक्शन में क्या स्पेशल है आपके लिए, उसको बताने के लिए मेरे साथ यहाँ पर है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि होली है तो चाट के बिना होली अधूरी होती है, तो चाट में क्या कुछ स्पेशल है इसमें? मैम, चाट में आपका रायचौड़ी बड़ा फेमस होता है, यार दोस्त सब सहपाठी आते हैं, रायचौड़ी का बड़े भरपूर मजा लेते हैं। अच्छा, राज कचौड़ी तो चलिए सबको पता, उसके अलावा और क्या क्या स्पेशल? और मैम, गोलगप्पा है हमारे पास, पानीपुरी जो जिसको बोलते हैं, खट्टा मीठा पानी के साथ होता है, जायका लिया जाता है होली के साथ, लोग रंग बिरंगे रंगों के साथ आज गोलगप्पे का मजा लेते हैं भरपूर। उसके अलावा भल्ला पापड़ी भी हमारे पास, और गर्मा गर्म आलू टिक्की भी मिलता है मैम। उसके अलावा और क्या क्या है? उसके अलावा भल्ला पापड़ी है और भेलपुरी है और बाकी का छोला भटूरा, ये सारा आइटम आ जाता है यहाँ। मतलब यहाँ पर चाट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। आपने कहा भेलपुरी तो बॉम्बे की होती है, लेकिन यहाँ की भेलपुरी में क्या कुछ स्पेशल है? मैम, जो बॉम्बे में भेलपुरी वही टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि बॉम्बे का कारीगर बीकानेर में आ चुका है, तो बॉम्बे का भेलपुरी और बीकानेर वालों का हो गया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि भेलपुरी को आप कैसे स्पेशल बनाते हैं इस होली में? मैम, भेलपुरी को स्पेशल बनाने के लिए हम सारे आइटम डालते हैं इसमें, हर चीज़ हर च्वाइस के ऊपर बनाई जाती है मैम, जैसा आप टेस्ट मांगेंगे वैसे ही भेलपुरी में आपको टेस्ट मिलेगा। मतलब होली के सभी रंग जो है हमें वो होली भेलपुरी के साथ मिलेंगे, सारे रंग जितने हैं वो भेलपुरी के टेस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो मतलब इस भेलपुरी में हमें होली के सभी रंग दिखेंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी बहुत यमी होगी, ऐसा देवेंद्र जी का कहना, तो एक भेलपुरी बनाएंगे मेरे लिए? यस मैम, बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। तो चलिए, मैं जब तक इस भेलपुरी का देवेंद्र जी जो है जो मुझे भेलपुरी बना कर देते हैं और उसका मैं टेस्ट आपको बताती हूँ, तब तक आप थोड़ा रुकिए। बिल्कुल, जैसा देवेंद्र जी ने कहा था, होली के सभी रंग इसमें मौजूद हैं, येलो है, ग्रीन है, रेड कलर के आप टमाटर देख सकते हैं। बॉम्बे की भेलपुरी मेरे सामने आ चुके हैं इस होली खास। चलिए, उन्होंने स्पेशली कहा था कि नींबू मार के भेलपुरी है ये, तो नींबू मार के भेलपुरी का फ्लेवर मैं भी देख लेती हूँ। वाकई में अगर इस होली आपने ये भेलपुरी नहीं खाई तो ये होली आपकी अधूरी रहेगी। अच्छा देवेंद्र जी, भेलपुरी तो आपकी बहुत स्वाद है, वाकई में बॉम्बे की भेलपुरी का इसमें स्वाद है, इसके अलावा और क्या? हाँ, लच्छा टोकरी है, आलू का लच्छा होता है मैम, करारापन होता है इसके अंदर, खाते समय बहुत आनंद और टेस्टी लगता है। तो मुझे लग रहा है कि इस भेलपुरी को टेस्ट करने के बाद मुझे लच्छा टोकरी भी जो है जो यहाँ का स्पेशल उन्होंने बोला, मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए। मैं देवेंद्र जी को बोलती हूँ एक लच्छा टोकरी मेरे लिए बनाइए। लच्छा टोकरी आपके सामने उपस्थित है, ये लोग जो होली के रंग होते हैं वो सभी कलर्स इसमें हैं, आलू का लच्छा है जैसा कि उन्होंने कहा, सब मिलकर इस होली को बहुत स्पेशल बनाते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं इस लच्छा टोकरी को भी। हाँ,
करारा लच्छा की टोकरी, उसके ऊपर दही का फ्लेवर, मीठा खट्टा सभी फ्लेवर है इसमें। इतना उम्दा स्वाद है इसका कि इस होली अगर आप इसे नहीं टेस्ट करेंगे तो आप कुछ मिस ज़रूर करेंगे। तो इस लच्छा टोकरी को ज़रूर टेस्ट करिएगा। तो इस होली मिठाई का मज़ा भी ले लिया, चाट का मज़ा भी ले लिया, और किस किस चीज़ के मज़े हमें लेने हैं लेकिन मैं बताऊँगी आपको वो इस छोटे से ब्रेक के बाद। लाल की चीजें और रंगों की बौछार, स्नेह का अबीर, सद्भाव की फुहार, लाड दुलार और फागुन की बयार, मिटे बैर सारे, बहे प्रेम रस की धार, गुजिया हंसी ठिठोली, राग रंग रंगोली, मने भुलाकर आओ खेले खूब होली। मुन्नी की बदनामी से दबंग को चढ़ा नशा, अनारकली डिस्को चली, बी टाउन में मची है कैसी खलबली। उफ चम्मक छल्लो की ये हॉट अदा, जिन पर है हजारों फिदा, बॉलीवुड गलियारों की हर एक खबर पर है हमारी नजर, बॉलीवुड का फुल एंटरटेनमेंट ओनली ऑन ई मार्टिनी, मंडे टू संडे एट 11 PM ओनली ऑन फोकस टीवी। वेलकम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट लिटिल ब्रेक फ्रेंड्स। मिठाइयों की शॉपिंग हो गई, चाट इस बार होली में क्या खास होने वाली है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा रंगों और पिचकारियों की भी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि रंगों के बगैर ये रंगों का त्यौहार जो है वो अधूरा है। तो पिचकारियों और रंगों की शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो इस बार रंगों में क्या कुछ नया आया है, कौन से नए कलर्स आए हैं, कौन से नए डिज़ाइन में आए हैं, क्या कुछ स्पेशल आया इस बार आपके लिए मार्केट में, उसके लिए मैं आपको लेकर आई हूँ। उसके लिए मेरे साथ हैं यहाँ पर विपिन कुमार जी, जो हमें बताएंगे कि क्या क्या कुछ नया आया है इस बार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में विपिन जी। विपिन जी, रंगों का त्यौहार है होली और कलर्स के बिना ये त्यौहार नहीं मनाया जा सकता, तो इस बार रंगों में क्या कुछ खास आया है होली पर? मैम, ये हर्बल का हमारे पास गुलाल आया हुआ है। ओके। बहुत ही अच्छा, और मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे। अच्छा। ये इसमें लाइटली कलर है, 6 कलर आते हैं इसमें, ये हमारे पास अभी नया आया है। ओके, तो ये इनकी रेंज क्या होगी? मैम, ये 40 रुपये का है। अच्छा, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार आपकी स्किन का ध्यान रखते हुए, आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए हर्बल कलर्स मार्केट में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे शेड्स हैं, बहुत ही लाइट शेड्स हैं, जो ये शेड्स जो है अनयूजुअल से शेड्स हैं, और ये 50 रुपीज़ के बीच में ही आपको ये पैकेट एक मिल जाएगा। हर्बल कलर्स हैं, स्किन फ्रेंडली हैं, तो आप इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर है हर्बल कलर्स यूज़ करें। इसके अलावा और क्या कुछ स्पेशल आया है? मैम, इसके अलावा और आपके फॉर्म वगैरह के कलर हैं। देखिए, हमारे पास फोम का कलर आया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फोम के कलर्स आए हैं, मतलब ये वाले कलर्स हैं स्प्रे कलर्स। अगर आप गुलाल नहीं लगाना चाहते, ये स्पेशली उनके लिए हैं जिनको खूब मस्ती करनी है इस होली, तो उनके लिए ये स्प्रे कलर्स आए हैं। इनकी क्या रेंज है? मैम, 100 रुपीज़। ये 100 रुपीज़ में ये आपको मिल सकता है। तो अगर आप मार्केट में ख़रीदने आ रहे हैं, इस बार बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। और क्या क्या कुछ यहाँ पर स्पेशल है आप कुछ? मैम, और कलर हैं इसमें, अलग अलग कलर के हैं। हाँ जी, ये इसमें कैप्सूल्स हैं, इसमें अंदर कलर, अलग अलग कलर भरे हुए हैं इसमें अंदर।
अच्छा, तो इसको यूज कैसे करते हैं? इसको खोल के, मैम खोल के इसको पानी में डालते हैं और पानी में घुल जाता है ये। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैप्सूल कलर्स हैं। जनरली हम लोग कैप्सूल खाते हैं जब हम बीमार होते हैं, लेकिन इस बार आपकी होली को स्पेशल बनाने के लिए कैप्सूल कलर्स भी हैं। इनको आप खोलिए, पानी में डालिए, घोलिए और अपनी होली को रंगीन बनाइए। इनकी क्या रेंज होगी? मैम ये 5 रुपए के दो हैं। अच्छा, ये 5 रुपए के दो कैप्सूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो 2.5 रुपए का एक कैप्सूल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 रुपए में 4 कैप्सूल खरीदिए, पानी में घोलिए, अपनी होली को रंगीन बनाइए। इसके अलावा और कुछ क्या स्पेशल? और मैम पिचकारियाँ आई हैं हमारे पास में। उसके अलावा वो जो वो क्या है, नेल पॉलिश सी जो है ये मैम गुलाल टाइप में है कुछ ये। अच्छा, इसको कैसे लगाते हैं? ये क्या है? गुलाल क्या, जैसे कि गुलाल होता है ये। अच्छा, उस टाइप में ही है ये हमारे पास में। आप देख सकते हैं कि इस बार मार्केट में जो कलर जो है अलग अलग पैकिंग में आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे नेल पॉलिश होती है वैसे ही पैकेट में ये पैक्ड है कलर। कहने को ये सिंपल गुलाल है लेकिन इसकी पैकिंग चेंज हो गई है। छोटी सी डिब्बी है, मतलब आप बड़ा पैकेट नहीं खरीदना चाहते, छोटे से कलर से अपनी होली एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसका क्या रेट होगा? मैम ये 5 रुपए का है। मतलब 5 रुपए में ये कलर आप अपने घर ले जा सकते हैं और अपनी होली रंगीन मना सकते हैं। डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटी इस बार मार्केट में मौजूद है, तो आइए और खरीद लीजिए। इसके बाद चलते हैं और करते हैं कि पिचकारियों की क्या क्या नई वैरायटी आई है मार्केट में। चलिए, तो अब यहाँ हम आ गए हैं सबके फेवरेट, बच्चों के फेवरेट सेक्शन में, यानी कि पिचकारी सेक्शन में, क्योंकि पिचकारी के बगैर बच्चों की होली जो होती है अधूरी होती है और वो जिद करते हैं मुझे होली पर पिचकारी लेनी ही लेनी है। तो इस बार मार्केट में बहुत सारी कलरफुल पिचकारियाँ जो है, वैरायटी जो है अवेलेबल है, मौजूद हैं उनके लिए। तो विपिन जी से पूछते हैं कि क्या कुछ खास बच्चों के लिए इस बार नया, क्या मतलब डिज़ाइन आए हैं, कैरेक्टर्स आए हैं पिचकारी में बच्चों के लिए, क्या कुछ नया आया है? मैम ये इस टाइप के खिलौने टाइप में आए हुए हैं जो अच्छा। बच्चों के डोरीमोन वगैरह ये, अच्छा स्पाइडरमैन और ये आपके, मतलब बच्चों के फेवरेट जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो इस बार उनकी पिचकारियाँ बन गई हैं। तो ये पिचकारियाँ मार्केट में इजीली अवेलेबल है क्योंकि बच्चों के लिए पिचकारियाँ बहुत ही मायने रखती हैं, खिलौने बहुत मायने रखते हैं। तो ये पिचकारियाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वेराइटीज़ और उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स की शेप में जो है पिचकारी के रूप में आ गए हैं। ये किस रेंज में होंगे? 20 रुपीज के हैं। पॉकेट में है आपकी 20 रुपए में है, तो 20 रुपए में अगर आपका बच्चा चाहे तो खुश कर सकते हैं, आप उसे यहाँ पर आ सकते हैं। डिफरेंट कलर के कार्टून उनके कैरेक्टर्स खरीदिए और 20 रुपए में जो आपका छोटा सा बच्चा है वो खुश हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या है? मैम हमारे पास में छोटा ये लड़कियों के लिए है। अच्छा, कमर से पीछे लगा लेते हैं इसको। ओके, और ये खास स्पेशली जो है लड़कियों के लिए डिज़ाइन की गई है पिचकारी। इसको पीछे बेल्ट से बांध लेते हैं, पिचकारी है और इसमें टैंक में आप पानी भर लीजिए और गन चलाइए। स्पेशली लड़कियों के लिए बनाई गई है ये पिचकारी, विपिन जी का कहना है। इसकी रेंज क्या है? 250 है इसकी रेंज। मतलब 250 रुपए में ये पिचकारी आप आ सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। आपकी बेटी जो है, नन्ही मुन्नी बच्ची जो है वो खुश हो जाएगी। इसके अलावा और क्या है? मैम हमारे पास ये है, ये 40 रुपीज में है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ट्रेडिशनल पिचकारियाँ जो हम लोगों को हर बार मिलती है, ये पिचकारी जो राधा मैया जो थी, राधा माँ जो थी, कृष्ण जी के ऊपर मारती थी, वो वाली पिचकारी भी है। उसके अलावा बहुत सारी पिचकारियों के डिज़ाइंस जो हैं यहाँ पर हैं, बस इंतज़ार है आपका, आइए और ख़रीद लीजिए। आपकी पॉकेट को जो सूट करती हैं, आपकी जेब को जो सूट करती हैं और जो आपके बच्चे को पसंद आती हैं, बाकी पिचकारियों की वैरायटी खूब है। रंग के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, खुशियों से सजा रहे हमेशा आपका संसार। इन्हीं दुआओं के साथ मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली।